फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। ट्रेन, बसेस, प्लेन्स के माध्यम से चाहे हिंदुस्तानी किसी शहर में हो, चाहे विदेश में हो, उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पाँव, भूखे प्यासे, बगैर दवाए और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे के सामने लड़ रहा है कांग्रेस, ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तोबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। द मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट द एंटायर वर्ल्ड